I'll be in the back of the state town and watch it on top of the state of Shia. Why, come on, Paul, as I shine, I'm going to show you all the time, all the show, all the time, all the time, all the time. Well, Father, everyone, I'm going to be telling you, I'll let you walk because of the other way, you know. So, how am I today? Oh,
और अल्लाह ने हमें अहद की मोहब्बत के नमत से और जिस दिन मैंने अहद की और मेहमान की महाबत होती है उस दिन में जो रूहानी बीमारियाँ हैं वो नहीं होती शर की बीमारी है अगर अहद की मोहब्बत है तो दिल में शर कभी पैदा नहीं हो सकता। अगर हमारे दिल में अहद की मोहब्बत है तो वसवसा पैदा नहीं हो सकता। अगर दिल में अहद की मोहब्बत है तो तकब्बुर की गुंजाइश नहीं। दिल में अहद की मोहब्बत है तो हसद की गुंजाइश नहीं। कोशिश करनी चाहिए हर और वाले आने आगे आगे
of here. It's hard to play, isn't it? मिट्टी का ढेर अगर उसके अंदर जवान यानी इंसान अपने एक्शन रिएक्शन रद्दअमल अपने अंदरूनी जज्बात के साथ जवान से करता है, अपने ख्वाहिशों के साथ जवान से करता है, अपने तमन्नाओं के साथ जवान से करता है। अगर जवान को अपने कंट्रोल में कर दिया तो बहुत सारी चीजें कंट्रोल में आ जाएंगी। जबान को इस बात की आदत होनी चाहिए और आदत देनी चाहिए कि इस जबान का हमेशा पहले हक जारी हो और हक के अलावा इस जबान से कोई पैगाम आता न हो और कोशिश ही करनी चाहिए कि जब हम इंसान हम अपने जज्बात का इजहार अपनी जबान से जब करते हैं तो ये भी इसका साइड इफेक्ट है। हम अपने अंदाज में अपनी जबान से कहते हैं तो ये देख लेना चाहिए इसका असर लोगों पर और समाज पर और खानदान पर रिश्तेदारों पर इसके असर कैसे मतलब हो रहे हैं, इफेक्ट क्या होगा। जब इंसान इस चीज को देखेगा तो जब भी वो बात महसूस करेगा तो अपने समाज को पहले समझ लेगा, सोच लेगा, फिर उसके बाद वो अपने समाज से कलमा को अदा करेगा, अपनी बात कहेगा। मौलाना कहना के चाहने वाले हमें पांच मौलाना मौलाना हैदर करार के बहुत बड़ी सिफत यह है कि अली का चाहने वाला हमेशा हक बोलता है और हक की तरफदार होता है और जब हक बात आती है तो वहां ऐसा नहीं होता है। आज का जमाना बहुत हसास है और बहुत ही हर इंसान को ट्रस्ट हो गया या दूसरे लफ्जों में कहा जाए कि हर इंसान मसलहत पसंद हो गया है समाज के तकाजे के साथ और हम ये सोचते हैं कि समाज का तकाजा यही है वरना हम तो फिर हमारे को सपोर्टर नहीं रह जाएगा, हमारा को सरकार नहीं रह जाएगा, फिर हम हक के मैदान में संघा रह जाएंगे। हमारा कहना तो फरमाया अली को इस बात की परवाह नहीं है कि अली हक के रास्ते में चलना चले बाकी के रास्ते में चाहे चलने वालों की कसरती क्यों ना हो, अली के इस बात में कभी दहशत अफवाह का एहसास नहीं हो सकता अगर मैं अली हक के रास्ते पे तन्हा चलूं। तो अगर हम वाकई हक के सपोर्टर हैं, हक के मानने वाले, तो हमें हक की तरफदारी करनी है और ऐसा नहीं कि अगर आपके पास कोई हक और ना हक वाली बात आती है तो आप वहां निर्भर नहीं हो सकते। तो मसलन मोहित के अली होने का तकाजा यह है कि आपको वहां पहले अपने जबान से इंतजार को करना ही आपको मालूम पर नहीं है इधर आपको करना है। आज के जमाने में आपको मालूम पर नहीं है मतलब होता इसलिए हो गया कि जब हम आपके मालूम पर नहीं है मतलब इस तकाजे पर अमल करने पर आते हैं तो हम ये सोचते हैं कि हमारे इसमें मसला क्या है। अगर हम देखते हैं इसमें हमारी मसलियत है तो हम हमें मालूम पर नहीं है मुनकर करते हैं और अगर हम ये देखते हैं कि हमारे इसमें कोई मसलियत नहीं कोई फायदा नहीं है तो क्यों हम कपड़े में पड़े झंडे में पड़े क्यों हम अपने लिए परेशानी का सवाल हम झूठ क्या बोल रहे हैं नहीं खुदा अगर चाहने वाला है तो वो हक हर हाल में बोलेगा गैर जानबदार कोई नहीं हो सकता अगर वो अली का मानने वाला है और हक का तरफदार है। जबान से यकीन पैदा होता है,
जबान से शर्म दूर होते हैं, जबान से वसवसा खत्म होता है, जबान से हक को आश्वस्त किया जाता है, बातें भी शिनाख्त की जा सकती है। ये अगर जबान नहीं है तो कुछ भी नहीं है। मौला जाना फरमाया है, मौला जाना फरमाते हैं अगर जबान नहीं है तो इंसान एक मिट्टी का टुकड़ा है, मिट्टी का ढेर है, जबान नहीं है तो कुछ भी नहीं, जबान शरीर मुर्दी है। जबान अल्लाह ने इसका इस्तेमाल के मौके दिए, जबान को अल्लाह पसंद करता है, इसका सही इस्तेमाल होना चाहिए। हम कब क्या किस वक्त कह रहे हैं और हमारे उस जबान से निकले हुए अल्फाज का असर खानदान में, रिश्तेदारों में, सबका प्रभाव होता है, समाज में, महल में, इलाके में, उस समाज का क्या असर हो रहा है ये हमें महसूस करना चाहिए। या फिर एक और हदीस में से आ रही है, वो हदीस में आपके मतलब में पेश करता चलूं और बात मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ। फिर डिफरेंट टाइप का एक बात इस्लाम हमारे से के लिए है, मैं अपने आप को अल्लाह से मुखातिब समझता हूँ। और मेरा अमीर और मोहम्मदी भाई बता रहा हूँ, और भी है, चोरी भी है, बदमानी भी है,
समान से पोर्श करानी भी है, जिसका मतलब यह है कि समान को अल्लाह ने आफियत अदा नहीं की। तो समान की आफियत है, आंखों की आफियत है, आसार जवाय की आफियत है, या आसार जवाय की आफियत है, ये तमाम चीजें आफियत को शुमार होती है। पहले फसल यह है कि समान बड़ा अहम तरीन शय है, इसमें हड्डी नहीं होती, मगर इसमें इतनी ताकत होती है कि दिलों को शिकस्ता कर देती है, इसमें दिल को तोड़ने की सलाहियत होती है। और याद रखिए, हाथों की मार जरूर इंसान अशद को इंसान दिल दिया, हाथ से किसी को रसान दिया, तमाशा अपने मार दिया, तो एक मुद्दा गुजर जाने का टाइम गुजर जाने का वो भूल जाता है, भूल जाएगा। लेकिन जबान से अगर आपने किसी को मारा है ना, तो मरते दम तक वो बात आपकी याद रखेगा। तो हदीस में कहा गया कि सर्व लिसान शब्द में सर्व लिया। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि हम जबान कब चलाएं। अगर इंसान की जरूरत को पहचानना है ना, तो उसकी जबान से पहचानो, इसलिए हर इंसान अपनी जबान के पीछे छुपा हुआ है। अगर गुमराही में जो पढ़ना आते हैं अपने बच्चों से, तो आसान
अंतर बयान न करूं ताकि मैं सबसे बराबर से मिल सकूं। ये हकीम अफलातून और सोक्रेट और बुकरात ये जो अफलातून गुजरे हैं इनका तारीख आपने सुना होगा शख्स है। अब ये दो हकीम की बात है, एक हकीम ने कहना वाला कहना अमीर बल्कि जिसके अंदर है फिर उसके ऐप को हम दूसरों से बयान करते हैं।
इस्लाम कैसे हो। छठे इमाम ने फरमाया
हकीम से बैठ के वो आपको बताने ऐसा कहते ऐसा कहते ऐसा कहते हैं, मगर आप कुछ कहते नहीं, आपको कोई रिएक्शन नहीं होता, आप सफाई नहीं पेश करते। तो वो हकीम ने कहा अरे मेरे अंदर इतनी ऐब है, मैं दूसरों का लोगों के ऐब को कहा मेरे अंदर है, मैं अपनी स्तर पर। मौलाना फरमाया उसने कहा कि आप कहा कि अच्छा एक सवाल है, फजीलत किसमें है, जुल्म में है या हक में है? फजीलत ऐसी बात है हक में है, जुल्म में फजीलत नहीं है। और कहा कि ये बता गुमान की बुनियाद पर किसी के मुकाबले फैसला लेना ये जुल्म है या हक है? गुमान के मुताबिक तुम्हारे की सोच है, ये तुम्हारे की सोच है, गुमान के मुताबिक किसी के मुताबिक रिमार्क्स पास करना, कमेंट्स करना, फैसला लेना ये जुल्म है या हक है? मौला ये जुल्म है। अच्छा तो अब ये बता किस औरत का मुताले जो तुमने कहा है या इस शख्स के मुताले जो तुमने कहा है, ये जन की बुनियाद पर कहा है, गुमान की बुनियाद पर कहा है या यकीन की बुनियाद पर कहा है? ताकि वाला मैंने जो कहा है इसके जाहिर को देखते हुए और गुमान की बुनियाद पर मैंने ये कह दिया। तो मौलाना फरमाइए फाजिर कौन है, किस किसमें है, फुजूर किसमें है? तो मौलाना ने फरमाया कि ये बता फुजूर किसमें है, फासिक कौन है? लोगों पर जन की बुनियाद पर फैसला करना ये फिर जो है फासिक होने की अलामत है या खामोशी इख्तियार कर लेना? तो उसने कहा कि मौला लोगों पर लोगों के मुकाबले गुमान की बुनियाद पर रिमार्क्स पेश करना ये फांसी होने की अलामत है। तो मौला ने फरमाया तो आप ये बता फाजिर कौन है, तू फाजिर है या वो औरत फाजिर है? तू फाजिर है या वो औरत फाजिर है? तू फासिक है या वो औरत फासिक है? तो आपके बना मैं फासिक हुआ तो मौला ने फरमाया खुदा की कसम तुम्हें ये हक नहीं है कि अपने गुमान की बुनियाद पर जाहिर को देखकर किसी के किरदार का सवाल उठाओ। इसीलिए कुरान की आवाज में या अय्युहा लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरन मिन अस्सन इन्ना बाज़ा सन इस्मुन ईमान ज्यादा से ज्यादा लोगों के मुताबिक सुए कर और बदगुमानी से परहेज करो, इसलिए बहुत सी बदगुमानियां ऐसी हैं जो गुनाह कबीरा के हद तक है। हमें एक दूसरे के मुताबिक हुस्न-ए-सनत करना है, हर किसी के मुताबिक फैसला करना है और हमेशा इस बात का ख्याल रखें अपने जबान पर मजबूत रहे। और अगर किसी के अंदर कोई ऐब देख रहे हैं तो ऐब को शाये न करें बल्कि जिससे अंदर आप ऐब देख रहे हैं उससे जाके शेयर करें और उसकी इस्लाह करें। इसीलिए हदीस में आया है अगर तुमने किसी की तकलीफ मरे आम में करना शुरू किया गोया तुमने उसे गुमराह कर दिया, और अगर खलवत में ले जाकर उसे तुमने समझाने की कोशिश की तो गोया तुमने हक के तकलीफ अदा कर दिया। और यही है अमर के मालूम कर वाहर दावाना الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين بقرارة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب a
السلام عليكم أئمة الهدى ورحمة الله وبركاته استودعكم الله وأقرأ عليكم السلام آمنا بالله وبالرسول وبما جئتم به ودللتم عليه اللهم فاكتبنا مع الشاهدين.